हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी एक चीज हमें और देखनी थी कि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, किसी किसी को रिक्वायरमेंट होती है। किसको रिक्वायरमेंट होती है? नॉर्मली मैं अगर पहले क्या था, अगर मैं पहले की बात करता हूँ तो पहले रिक्वायरमेंट थी कि जब आपका सेल, आपका टर्नओवर, हम वर्ड यूज करते हैं जीएसटी में, जनरल लैंग्वेज में मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ तो क्या मैं उसको सेल बोल सकता हूँ, बट टर्नओवर और सेल के अंदर काफी डिफरेंस है। सो मैं कह रहा हूं कि जब मेरी टर्नओवर 20 लाख या उससे ऊपर हो जाएगी, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा। जब मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूंगा उसके बाद ही मेरे ऊपर सारे ये रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे, तभी मुझे जीएसटी कस्टमर से चार्ज करना होगा और तभी मुझे आईटीसी मिलेगा। अगर मेरी वो थ्रेशोल्ड लिमिट ही नहीं हुई है, मतलब मेरा टर्नओवर अभी 20 लाख का हुआ ही नहीं है, सो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सेप्ट कुछ केसेस कहा है जहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि हाँ तो आपको कंपलसरी होगा ही होगा आपको रजिस्ट्रेशन लेना। जैसा कि एक केस आता है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो अगर आपने थोड़ा सा भी सामान सेल करा है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उसका लेना पड़ेगा। अभी पहले तो सिंपल सी एक बात थी कि देखो भाई 20 लाख का टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है और कुछ लिमिटेड स्टेट्स से, जैसे उत्तराखंड में बात थी, सो वहां पे 10 लाख की लिमिट रखी थी, बट फिर ना ये लिमिट चेंज कर दी है। सो अभी जो एप्लीकेबल है वो क्या है, हमें ये देखना रहता है कि देखो नॉर्मल लिमिट तो यही रखी है। आज भी उन्होंने क्या कहा है कि भाई नॉर्मल लिमिट यही है 20 लाख और 10 लाख, कि नॉर्मल पूरे देश में चलेगी 20 लाख का टर्नओवर अगर आपका क्रॉस करता है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो, और अगर आपका सर्विस सेक्टर हो वो स्पेशल स्टेट्स हो जाते हैं आपके तो आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो टर्नओवर की लिमिट क्या है 20 और 10, बट उन्होंने एक चीज ऐड कर दी, उन्होंने क्या कहा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करते हो, मतलब आप सर्विस का कोई काम ही नहीं करते हो, बस क्या कर रहे हो गुड्स डील कर रहे हो, लाइक मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम है या फिर मेरा ट्रेडिंग का काम है, तो आप मुझे गुड्स ही करनी है, मुझे कोई सर्विस का काम ही नहीं, मैं कोई सर्विस किसी को नहीं दे रहा हूं, उस केस में मुझे टर्नओवर डबल कर दिया। डबल कितना? नॉर्मल पूरे कंट्री में कर दिया 40 लाख, कि भाई 40 लाख क्रॉस होगा ना तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, और उससे पहले जो 20 लाख कर दिया मेरा स्पेशल स्टेट्स, मतलब दोनों जगह का मेरा क्या कर दिया डबल। बट ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब मैं गुड्स दे रहा हूँ, सिर्फ गुड्स में डीलिंग कर रहा हूँ, मेरी सर्विस कोई भी नहीं है वहां पे। क्लियर है ये बात? सो ये मुझे पता होना चाहिए कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की लिमिट एट प्रेजेंट क्या है। ये ऐसा क्यों करा है? इन्होंने इसलिए करा है कि भाई देखो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब क्या हो गया कि आपको ना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, जीएसटी लो, उसकी सबमिट करो, रिटर्न फाइल करो, कभी कुछ कभी कुछ। तो छोटे छोटे जो बिजनेस है, मतलब जिसकी सेल अगर बेचारे की 10 लाख 20 लाख या 40 लाख जैसा भी केस है उतनी भी नहीं हो पा रही है, तो भाई उसको इन चीजों से दूर रखो, उसको अपना बिजनेस करने दो। हाँ, आपका मन करता है अपनी तरफ से तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख की सेल करी, मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे तो अभी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना है, सो मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। ऐसा क्यों करूँगा जब मुझे आईटीसी का बेनिफिट मिल रहा होगा? सो और भी बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, तो वहां पे अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं तो उस केस में मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, मतलब कि मेरे ऊपर है। गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई 20 लाख या 40 लाख उसको क्रॉस कर लोगे सो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मजबूरी हो जाएगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उससे पहले भी लेना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप तो हमें टैक्स पे कर रहे हो, क्यों मना करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन ले लो। क्लियर है ये वाली बात?